हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे फिर से यूट्यूब चैनल पर। अगर आपके पास भी एक जियो का एक छोटा वाला फोन है तो इसके कुछ सीक्रेट कोड्स के बारे में आज आपको हम बताएंगे। कई सीक्रेट कोड्स ऐसे होंगे जो आप जानते होंगे और कई सीक्रेट कोड ऐसे होंगे जो आप नहीं जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो पूरा देखिएगा वीडियो को। तो चलिए पहले वीडियो को शुरू करते हैं और आपको इस सीक्रेट कोड के बारे में बताते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिथिलेश कुमार, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इजी टू टेक को। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको कोड्स के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, जो पहला कोड है, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके जियो फोन के जो हार्डवेयर है उसमें प्रॉब्लम है, तो उसके लिए सिंपल आप एक कोड को डायल कर सकते हैं। तो कोड को डायल करने के लिए आपको क्या करना है, ओपन कीजिए, लॉक ओपन कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ से *H2886 और यहाँ से हैच डायल करना है। जैसे हैच डायल कीजिएगा तो एक मेन्यू यहाँ से ओपन होगा। मेन्यू में पूरा डिटेल आपको बताएगा और यहाँ से ऑटो दिया है, आपको ऑटो पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा और यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको बताएगा चेक करके पास या फेल, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिख रहा है, पास या फेल। तो आपको सारे का सारा इसमें जो है ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू, इसके बाद यहाँ से आपको पास कर देना है और यहाँ से आपको बोल रहा है नंबर डायल करने के लिए। तो आप सिंपल यहाँ से नंबर डायल कीजिएगा तो ये देखिएगा कि ये येलो हो जाएगा, मतलब आपका ये जो बटन है वो ठीक है। आप सारा का सारा बटन यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से अगर कोई भी दिक्कत होगा तो यहाँ से आपको वो दिखा देगा। इसके बाद यहाँ से लेफ्ट राइट आप सभी बटन को आप चेक कर सकते हैं। इधर कीजिएगा तो ये देखिए येलो हो जाएगा। यहाँ तेरा इंटर कॉल, आपको इंटर कॉल पर क्लिक कीजिएगा भी येलो हो जाएगा और यहाँ से इंटर दिखा रहा है मतलब बीच वाला, तो ये भी येलो हो गया। इसके बाद यहाँ से आपको पास पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये LCD दिखाई देगा और यहाँ से ऑप्शन दे रहा है कि इज LED एंड कीपैड बैक लाइट फ्लैशिंग, तो हाँ फ्लैशिंग कर रहा था, तो आपको पास पे क्लिक कर देना है। इसके बाद कैमरा दिखाएगा, तो कैमरा भी आपका यहाँ देख सकते हैं, सी या कैमरा भी पास है। इसके बाद फ्रंट कैमरा भी यहाँ से दिखाई देगा, फ्रंट कैमरा भी ठीक है। और यहाँ से दिख रहा है कि इज टॉर्च लाइटिंग, तो देखिएगा तो यहाँ से लाइट भी ओपन हो गया, मतलब ये भी ठीक है। इसके बाद टाइम दिखा रहा है, यह भी ठीक है। इसके बाद रिसीवर टेस्ट है, तो देखिएगा यहाँ कुछ ये मतलब इधर से आवाज आ रहा है, मतलब ये भी ठीक है। और ये स्पीकर टेस्ट करके बता रहा है आपको, मतलब स्पीकर भी इसका ठीक है। इसके बाद लूप फ्रॉम MIC टेस्ट है ये ऑडियो के लिए, तो यहाँ से भी पास कर देना आपको। वाइब्रेशन तो देखिएगा, मेरा फोन वाइब्रेट कर रहा है मेरा फोन, तो ये भी पास है। प्लीज प्लग इन हेडसेट, अब मैं हेडसेट का यूज करूंगा तो इसमें यहाँ पे भी दिखा देगा कि पास या फेल। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ FM एंटीना का जांच कर रहा है, ये FM एंटीना ही बता देगा, तो यहाँ पे पास पे क्लिक कर देना है। सिम इज ओके, मतलब SD कार्ड टेस्ट इज ओके, मतलब सारा का सारा इसमें यहाँ बैटरी का टेम्परेचर दिखा देगा कि 20 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी यहाँ दिखा रहा है जो 26.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। और यहाँ से वोल्टेज भी दिखा देगा कितना वोल्ट का मतलब इसमें भी है। इसके बाद पास पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से NFC, तो जियो फोन में एक NFC दिया रहता है इधर, ये जो है ये NFC का जो साइन है, तो स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा यहाँ से। तो अभी तो NFC का ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं इसको नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। इन बल्ब या ब्लूटूथ है, आपको ब्लूटूथ भी है सर्च करके दिखाएगा। तो इस तरह से इस कोड की मदद से आप बहुत सारे हार्डवेयर को आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो कोई भी अगर आपका मोबाइल में फॉल्ट रहेगा तो यहाँ से बता देगा कि मोबाइल में आपका फॉल्ट है। तो दूसरा कोड है वो है कॉल फॉरवर्डिंग के लिए या कॉल डिफॉल्ट, मतलब आप कॉल फॉरवर्डिंग करना चाहते हैं, आप मतलब आप सोच रहे हैं कि जो भी इस फोन पे कॉल है वो दूसरे नंबर पे ट्रांसफर हो जाए कॉल, तो आपको सिंपल इसके लिए आपको एक कोड डायल करना होगा *401 और यहाँ से ** लगा देना है। इसके बाद आप जो भी नंबर पे आप कॉल डिफॉल्ट करना चाहते हैं सिंपल उसका आपको नंबर यहाँ से डाल देना है। तो जैसे ही नंबर डाल के यहाँ से आप कॉल करते हैं तो आपका नंबर देखिएगा डाइवर्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा कि मेरा कॉल फॉरवर्डिंग उस नंबर पे हो गया। तो आप भी इस तरह से आप कॉल फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। अगर इसको डीएक्टिवेट करना है तो उसके लिए भी एक कोड आता है, तो आपको सिंपल यहाँ से डायल कर देना है *402 और बस इतना ही डाल के आपको कॉल कर देना है। जैसे ही कॉल कीजिएगा तो आपका जो कॉल डिवर्ट किए थे वो खत्म हो जाएगा। तो वो देखिएगा कि वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो इस कोड का भी आप यूज करके आप अपने कॉल फ्रॉडिंग कर सकते हैं। अब आपको तीसरे कोड के बारे में आपको हम बताते हैं।
मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं या आप मीटिंग में हैं या कहीं और हैं, तो आप सारे कॉल आप वेटिंग में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डायल करना होगा *43#, और यहाँ से डायल करके आप कॉल कीजिएगा। तो यहाँ देखिए सेंडिंग दिख रहा है, और यह देखिए सर्विस वॉज इनेबल, मतलब कॉल वेटिंग आपका इनेबल हो गया, मतलब जितने भी आपके कॉल आएंगे वो सारे सारे वेटिंग में आएंगे। और इसको आपको ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको सिंपल एक कोड डायल करना होगा, तो उसके लिए आपको ये *43#, आपको ये डायल कर देना है, और यहाँ से डायल कर दीजिएगा तो वो सर्विस जो है वो दिखेगा डिसेबल हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप भी कोड का यूज कर सकते हैं अपने जियो के जो भी आपका फ़ोन है, मतलब जियो के सारे फ़ोन के लिए ही है, मतलब जितने भी जियो के कीपैड फ़ोन है उन सब में आप इस कोड का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।